नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नीतीश कुमार ने दोबारा एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार दिल्ली का दो दिनों का दौरा किया। परसों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए, साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम शीर्ष के नेताओं से मुलाकात की। तो वहीं कल बिहार के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। लगातार ये सवालें भी उठ रही थी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा आने वाले चुनाव में, वो तय हो गया है। हालांकि इसको लेकर राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह ने एक नया एंगल निकाला है। नीतीश कुमार और लालकृष्ण आडवाणी की कल की मुलाकात को लेकर उन्होंने एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिख डाला है कि लालकृष्ण आडवाणी का सर नीतीश कुमार को देखकर शर्म से झुक गया। जी हाँ, ऐसा लिखा है सुनील कुमार सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। वो अक्सर नीतीश कुमार पर हमलावर तो रहते ही हैं, आए दिन बिना उनका नाम लिए पोस्ट करते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ उन्होंने उनका नाम लेते हुए ये पोस्ट किया है। आपको बता दें, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि इस फोटो को ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है कि आदरणीय आडवाणी जी कुमार साहब जी को देखते ही शर्म से अपना सर झुका लिए और पूछ रहे हैं कि पूरे देश के महिलाओं को अपमानित और इज्जत खराब कर घुटनियां मारते हुए किस लोभ में मेरे पास पहुंचे हैं। इतना सुनते ही साथ अब नीतीश कुमार साहब जी भी अपने स्टाफ से पूछ रहे हैं कि आप लोग कहीं मुझे भाजपा तो नहीं ले आए। गजब का तंज कसते नजर आए हैं सुनील कुमार सिंह। कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार को देखकर लालकृष्ण आडवाणी ने अपना सर शर्म से झुका लिया। दरअसल सुनील कुमार सिंह का इशारा उस वाक्य की ओर था जब नीतीश कुमार के सदन में दिए गए एक बयान को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। लगातार उनके इस बयान की निंदा भी की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे ही दिन अपने बयान को लेकर सभी से माफ़ी मांग ली थी। मीडिया के सामने उन्होंने ये माफ़ी मांगी थी, लेकिन सुनील कुमार सिंह आए दिन नीतीश कुमार को लेकर कुछ ना कुछ पोस्ट करते नजर आते ही रहते हैं। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने उनकी तुलना गद्दार मक्कार ऐसी पर्यायवाची शब्दों के साथ कर दिया था। साथ ही कहते थे कि किस तरीके से वो रंग बदलते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। सुनील कुमार सिंह जब साथ भी थे नीतीश कुमार के, यानी कि जब जेडीयू और आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बिहार में थी भी, तब भी वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते थे, जिसको लेकर ये खबरें भी आती थी कि नीतीश कुमार उनसे अक्सर नाराज रहते हैं उनके पोस्ट को लेकर। वैसे तो ज़्यादातर सुनील कुमार सिंह बिना नीतीश कुमार नाम लिए उनकी ओर इशारा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए यह पोस्ट लिखा है, बड़ी बात लिख दी है। कह दिया है कि लालकृष्ण आडवाणी का सर शर्म से झुक गया जब उन्होंने नीतीश कुमार को देखा। तो वहीं नीतीश कुमार के पर भी वो तंज कसते नजर आए। सुनील कुमार सिंह कहते नजर आए कि नीतीश कुमार को उनके साथियों ने बताया होगा कि वो अब भाजपा में हैं, क्योंकि वो कभी राजद तो कभी भाजपा के साथ रहते हैं। इस प्रकार के तंज कसते नजर आए। आपको बता दें, दो दिनों के दौरे पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जेपी नड्डा सहित कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। तो वही उन्होंने कल देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात भी की, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी थी। और अब सुनील कुमार सिंह ने उसी तस्वीर पर तंज कसते हुए यह सोशल मीडिया पोस्ट कर डाला है। क्या कुछ उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, यह भी हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।